हाय गाइस, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल थ्री लेयर शरारा की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने केवल 2.5 मीटर फैब्रिक में बनाया है। इसका जो फ्लेयर है बहुत ही सुंदर आने वाला है। इससे पहले भी मैंने शरारा का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन मैंने उसे 3.5 मीटर फैब्रिक में बनाया था और आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि इसे हम कम फैब्रिक में कैसे बनाएंगे, तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रियॉन का फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। अब मैं पहले आपको इसे पेपर पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये हमारा शरारा बनेगा कैसे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ ऊपर हमारी ये 2 इंच की बेल्ट आएगी, इसके नीचे जो हमारी ये फर्स्ट लेयर रहेगी ये हमारी नी तक रहेगी। ये देखिए, इसकी जो लेंथ है हमें हमारी नी तक की लेंथ का बनाना है। अब इसके नीचे हमारी फर्स्ट फ्रिल अटैच होगी, यहाँ पे हम फ्रिल अटैच करेंगे, और इसके नीचे एक और फ्रिल अटैच करेंगे हम, और ये हमारा थ्री लेयर शरारा कुछ इस तरीके से बन करके तैयार होगा। यहाँ पे जो मेरे शरारे की पूरी लेंथ है बेल्ट से लेकर के बॉटम तक की, वो है 37 इंच। मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा लेंथ वगैरह। अब बेल्ट से लेकर के ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक की जो लेंथ है वो मैं 18 इंच रखूँगी। इसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट फ्रिल की लेंथ है वो मैं 9.5 इंच रखूँगी, और जो सेकेंड लेयर है उसकी भी जो लेंथ है वो मैं 9.5 इंच ही रखूँगी, और इस तरह से ये जो टोटल लेंथ है वो 37 इंच की हमारी हो जाएगी। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसको पहले हम विड्थ वाइज इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। हमें इसे लेंथ वाइज नहीं, विड्थ वाइज फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये मैंने इसे विड्थ वाइज इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड। अब इसको एक और बार फोल्ड करके हम फोर फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको कितना फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका हिप का मेज़रमेंट है आप उसे पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए, और जो भी आएगा आप उसमें 2 से 3 इंच और प्लस कर लीजिए। तो मेरे केस में 3 से डिवाइड करने के बाद 12 इंच आया था, और उसमें मैंने 3 इंच और प्लस करके यहाँ पे 15 इंच पे इसे इस तरीके से फोल्ड किया है। और ये देखिए, ये जो हमारा फैब्रिक है फोर फोल्ड हो गया है। अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ से हम 2-2 इंच पे पहले मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। अब इन सारे डॉट को मिला करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इतना फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम इलास्टिक पास करेंगे। अब ये जो हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी घुटने तक की जो तैयार लेंथ है वो है 18 इंच, और उसमें 1 इंच और प्लस करके ये देखिए 19 इंच पे हमें मार्क करना है, और ये पूरा फैब्रिक भी 19 इंच का ही है, तो ये मैं पूरा पूरा ही ले लूँगी। अब ये जो हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की है यहाँ से हम कॉच एरिया का निशान लगाएंगे। कॉच एरिया का मेज़रमेंट निकालने के लिए जितना भी आपका हिप का मेज़रमेंट है आप उसे 3 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 3 से डिवाइड करने के बाद 12 इंच आता है। तो ये जो हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की है यहाँ से नीचे की तरफ हम पहले 12 इंच पे मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम हिप की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका हिप का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच आता है, और उसमें मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो ये मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद ऊपर जो हमने ये बेल्ट के लिए मार्किंग की है यहाँ पे भी हम 12 इंच पे मार्क करेंगे, और इन दोनों मार्क को मिला करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने हिप के लिए मार्किंग की है यहाँ पे 2 इंच हम और ऐड करेंगे क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ करने के लिए। अगर आप स्मॉल टू लार्ज साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 2 इंच पे मार्क कीजिए, और अगर उससे ऊपर के लिए बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच पे मार्क करना होगा। और यहाँ पे जैसे हम अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरीके से कॉच एरिया का शेप ड्रॉ कर लेंगे, हल्का सा राउंड शेप देते हुए, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमने कॉच एरिया का निशान लगाया है यहाँ पर, ये जो लाइन ड्रॉ की है पहले हम इसको मेज़र करके देखेंगे कि कितना है। तो ये पूरा पूरा 14 इंच है, तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है, मतलब ये जो लाइन है इसके सेंटर में हमें मार्क करना है।
और सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन नीचे तक ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम थाई का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका थाई का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए और उसमें अपने हिसाब से लूजिंग ऐड कर लीजिए, जितना टाइट या जितना लूज आप पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा 4 से डिवाइड करने के बाद 4 इंच आता है और इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। तो सेंटर से एक तरफ मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और सेंटर से दूसरी तरफ भी मैंने 6 इंच पे ही मार्क किया है, मतलब मैंने यहाँ टोटल 12 इंच पे मार्क किया है। अब ऊपर जो हमने ये कोचेरिए का निशान लगाया था वहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे इस तरीके से हम मिला लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम मिला लेंगे। इसको हम 4 पीस में कट करेंगे तभी जो हमारी फिटिंग है अच्छे से आएगी, इसीलिए मैंने दोनों तरफ मार्क किया है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये जो हमने मार्क किया है बिल्कुल इसके ऊपर ही हमें इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से ये देखिए ये हमारा जो चारों पार्ट है ज्वाइंड है, तो हम इसको कट कर लेंगे ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ से भी ये जो हमने कॉच एरिए का निशान लगाया है उसे भी अब हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये देखिए नीचे से भी ये जो हमारा पीस है ज्वाइंड है तो इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे ऊपर वाले फर्स्ट लेयर की कटिंग हो गई है, अब हम फ्रिल कट करेंगे। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है हम उसको लेंगे और ये देखिए मैंने इसे विड्थ वाइज सेंटर से इस तरह से पूरे फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है, ये देखिए। अब इसको लेंथ वाइज भी हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमने जो ये फर्स्ट लेयर कट की थी उसको लेंगे और ये जो नीचे की तरफ हमने थाई कट किया था उसको मेज़र करके देखेंगे। तो ये हमने 12 इंच कट किया था, ये देखिए पूरा पूरा 12 इंच है। और यहाँ से हमारी सेकेंड लेयर स्टार्ट होगी। तो इसकी जो हम फ्रिल कट करेंगे वो 12 इंच तो हमें फैब्रिक चाहिए ही, क्योंकि इतना तो हमारा थाई वाला फैब्रिक है। और इसमें 10 इंच हम और प्लस करेंगे गैदर्स के लिए और 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये टोटल हो जाएगा 23 इंच। तो यहाँ पे जो सेकेंड लेयर के लिए हम फ्रिल कट करेंगे वो 23 इंच पे कट करेंगे। ये देखिए 12 इंच इतना तो हमें चाहिए ही और इतना जो एक्स्ट्रा मैंने कट किया है इससे हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। अब यहाँ से जो हमारी सेकेंड लेयर है उसकी लेंथ की मार्किंग हमको करनी है। तो हमारी जो सेकेंड लेयर की तैयार लेंथ थी वो 9.5 इंच थी और उसमें हमें 1 इंच और प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हम इसको 10.5 इंच पे कट करेंगे। तो ये मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ दूसरी तरफ भी हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और बीच में एक दो जगह और कर लेंगे और सारे मार्क को मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने पूरी मार्किंग की है ये हमारी सेकेंड लेयर के लिए है और इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। कट करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास 2 पीस होगा, लेकिन ये ऊपर से ज्वाइंड है तो पहले हम इसको कट करके अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद ये हमें दोनों पैरों के लिए 2 रफल मिल जाएगी। सेकेंड लेयर कट करने के बाद अब ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हम थर्ड लेयर को कट करेंगे। सबसे पहले लेंथ मेज़र करके देखेंगे, तो ये देखिए ये पूरा पूरा 10.5 इंच है और हमें तैयार 9.5 इंच चाहिए, तो ये पूरा पूरा बराबर है। और घेरे के लिए ये जो पूरा फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम पूरा ही घेरे में यूज़ करेंगे, इससे जो हमारा फ्लेयर है काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने जो सेकेंड वाली लेयर कट की थी उसमें हमने ज़्यादा घेरा नहीं लिया था, लेकिन जो हम ये थर्ड वाली लेयर कट करेंगे सबसे नीचे वाली इसमें हम ज़्यादा घेरा लेंगे, मतलब इसको हम ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले हम इसको कट करके अलग कर लेंगे और इसको मेज़र करके देखेंगे कि कितना है। तो ये देखिए पूरा पूरा 10.5 इंच है, तो हम इसको बेकार नहीं जाने देंगे, वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसको हमने जो ये रफल किट कट की है उसमें आगे की तरफ ज्वाइन कर लेंगे, इससे हमारा घेरा और ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए जो पहले ये जो हमारा फैब्रिक ऊंचा नीचा है इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब ये हमारे पास 2 पीस है और ये जो हमने रफल कट किया है ये भी हमारे पास 2 पैरों के लिए 2 पीस है, ये देखिए। अब ये जो फैब्रिक हमने कट किया है इसको हम इस तरीके से रखेंगे, एक पीस को एक पैर में और दूसरे पीस को दूसरे पैर में और ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसे मैंने ये आपको रख के दिखाया है सेम इसी तरीके से हमारे 3 पीस ज्वाइंड होंगे। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट लेयर है पहले हम उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 2 पीस को हम अलग कर देंगे
और दो पीस को लेकर के एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से रखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल बराबर से रखते हुए यहाँ कॉच एरिए से हम इसे स्टिच कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से ये जो दो पीस है इसको भी लेंगे और दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से रख करके इसमें भी कॉच एरिया स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कॉच एरिया से इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम दोनों पीस को साथ में अटैच करेंगे। तो उसके लिए एक पीस की सीधी साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर अब ये जो हमने दूसरा पीस तैयार किया है उसको रखेंगे और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी और दोनों पीस को बिल्कुल साइड से बराबर करेंगे और यहाँ साइड की स्टिच हम लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख करके मैंने साइड की स्टिच लगा ली है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था यहाँ पे, यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसका जो नीचे वाला सिरा है उसको एक और बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे पूरे में स्टिच कर लेना है। एक जगह थोड़ा सा हमें खुला हुआ छोड़ना है लास्टिक पास करने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे ये इतना खुला हुआ छोड़ दिया है और ये जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो तैयार हो गई है। और अभी यहाँ से ये देखिए इसे मैंने नई स्टिच किया है, ये हम लास्ट में स्टिच करेंगे। इसके बाद ये जो फर्स्ट लेयर है इसमें हम सेकेंड लेयर को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने सेकेंड लेयर के लिए फैब्रिक कट किया था उसको लेंगे। ये देखिए दो पीस है इसका दोनों पैर के लिए। तो पहले एक पीस को हम लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम बड़े टाको की स्टिच लगाएंगे पूरे में। आप चाहें तो छोटी छोटी प्लीट भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे बड़े टाको की स्टिच लगा करके गैदर्स बनाऊंगी। दोनों पीस में हमें सेम इसी तरीके से करना है, ऊपर की तरफ बड़े टाको की स्टिच लगा करके हमें गैदर्स बना लेना है। तो ये मैंने पूरे में बड़े टाको की स्टिच लगा करके खींच करके गैदर्स बना लिया है। अब इसको हम अपने फर्स्ट लेयर में अटैच करेंगे और ये जो गैदर से पहले हम इसको बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये जो फर्स्ट लेयर है ये देखिए इसको ऐसे उठाएंगे और ये जो एक पैर है इसकी सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया सेम इसी तरीके से, और इसके ऊपर ये जो हमने सेकेंड लेयर तैयार की है उसको रखेंगे ये देखिए, और यहाँ इसके किनारों पर इस तरह से इसको रखते हुए हमें इसे स्टिच करना है। बस ध्यान आपको ये देना है कि जो हमने ये प्लीट्स बनाई है, गैदर्स बनाया है, वो सब जगह इक्वली होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए और जो भी छोटा बड़ा हो यहाँ से आप इसको खींच करके एडजस्ट कर लीजिए। तो पहले मैं इसे इसी तरह से रख करके यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। सेम इसी तरीके से दूसरे पैर में भी हमें करना है। तो ये देखिए दोनों पैर में मैंने सेकेंड लेयर को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसके किनारों पर ये जो सेकेंड लेयर है इसके किनारों पर यहाँ पर हम थर्ड लेयर को स्टिच करेंगे। तो थर्ड लेयर के लिए ये हमने फैब्रिक कट किया था दोनों पैर के लिए दो, और ये दो छोटे फैब्रिक भी हमने कट किया था जो कि हमारे सेकंड लेयर के आगे से बचा हुआ था, और ये भी दो पीस है। तो एक पीस को हम एक पैर में ज्वाइन करेंगे और दूसरे पीस को दूसरे पैर में ज्वाइन करेंगे। तो एक बड़े वाले पीस को और एक छोटे वाले पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए एक बड़े वाले पीस को और ये जो एक छोटा वाला पीस है इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और बिल्कुल बराबर से करके पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीस में हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए ये मैंने दोनों पीस को ज्वाइन कर लिया है, एक बड़े वाले पीस को और एक छोटे वाले पीस को, ताकि इसका घेरा जो थर्ड लेयर का है वो ज़्यादा आए। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें भी गैदर्स बनाना है, तो उसके लिए हम बड़े टाको की स्टिच लगा करके खींच करके गैदर्स बना लेंगे, या फिर आप चाहें तो छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकते हैं। दोनों पीस में ही हमें सेम इसी तरीके से करना है दोनों पैर के लिए। तो ये मैंने पूरे में बड़े टाके की स्टिच लगा करके इस तरह से गैदर्स बना लिया है। अब इसको हम इक्वली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बिल्कुल एक बराबर ही जो हमारी गैदर्स है वो होनी चाहिए पूरे में। अब जो हमने सेकेंड लेयर तैयार की है इसके किनारों पर हम इसको अटैच करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए इसकी जो सेकेंड लेयर है उसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और ये जो हमने थर्ड लेयर तैयार की है इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी, और ये जो सेकंड लेयर है इसके किनारे पे ये जो हमने गैदर्स तैयार किया है उसको रखेंगे। बिल्कुल बराबर से हमें इसको रखते जाना है, जो हमारे गैदर्स हैं बिल्कुल सब जगह बराबर ही होने चाहिए, और इस तरह से इसके किनारों पर इसको रखते हुए पूरे में हम इसे स्टिच कर लेंगे। जो भी छोटा बड़ा होगा उसे खींच करके हम एडजस्ट कर लेंगे और पूरे में इसी तरीके से इसको रखते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों पैर में हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए ये मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है, फर्स्ट लेयर में सेकंड लेयर को और सेकंड लेयर में थर्ड लेयर को। ये देखिए पूरे में इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है।
अब नीचे के रोएजेस को हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसे भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में इसे भी स्टिच कर लेंगे। दोनों पैर को पहले हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है नीचे से, और दूसरे वाले पैर को भी सेम इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें हम गोटा पट्टी की लेस अटैच करेंगे। तो सेंटर से इसे इस तरह से खोलेंगे और सीधी साइड से हम इसको रखेंगे। और ये जो बिल्कुल पतली वाली गोटा पट्टी की लेस होती है उसे मैंने लिया है। बहुत ही ईजली आपको मार्केट में बहुत ही सस्ती रेट में ये आपको मिल जाएगी। अब इसको जो हमने ये गैदर्स बनाया है उसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल स्टिचिंग के ऊपर ही हमें रखना है, ये जो हमने सेकेंड लेयर ज्वाइन की है उसके ऊपर। और यहाँ पर रखते हुए इसे हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से जो ये थर्ड लेयर है वहाँ पर भी हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए, एक लेयर तो हम बिल्कुल स्टिचिंग के ऊपर रख करके स्टिच करेंगे और एक लेयर उसके ऊपर रख करके स्टिच करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे ये देखिए जो हमने मोहरी बनाई है यहाँ पे भी इसको रखेंगे और यहाँ पे भी इसको स्टिच करेंगे। आप चाहें तो एक एक लेयर लगाइए, दो दो लेयर लगाइए, तीन तीन लेयर लगाइए, ये आपके ऊपर है। तो चलिए पहले हम इसको स्टिच करते हैं। तो मैं आपको लगा के बताती हूँ कि इसे कैसे स्टिच करना है। ये देखिए, ये जो हमने गैदर्स बनाया है बिल्कुल उसके ऊपर हम गोटा पट्टी वाली लेस को रखेंगे और इसे इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। पूरे में हमें इसे इसी तरह से स्टिच करना है। अब एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर ही हम रख करके दूसरी लेयर को लगाएंगे। डिस्टेंस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल पास में ही रखूँगी, बहुत ही थोड़े से डिस्टेंस पे, और इसी तरह से रखते हुए पूरे में मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, पूरे में मैंने गोटा पट्टी लगा ली है। ये जो सेकेंड और फर्स्ट लेयर है यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी की दो दो लाइन लगाई है और नीचे की तरफ मैंने तीन लाइन लगाई है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये जो खुला हुआ है सेंटर से, अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसको बैक साइड पे टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको बैक साइड पे टर्न करना है और बिल्कुल बराबर से करके हमें इसे रखना है। ये जहाँ पर हमने कॉच एरिया ज्वाइन किया है उसकी स्टिचिंग को स्टिचिंग से मिलाएँगे बिल्कुल बराबर से, ये देखिए। और यहाँ से पकड़ते हुए पहले हम एक तरफ स्टिच करेंगे। ये देखिए, यहाँ से पकड़ते हुए पहले हम एक पैर को नीचे तक स्टिच करेंगे। और जो हमने ये फ्रिल अटैच की है बिल्कुल उसकी जो स्टिचिंग है एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर से इस तरह से करके रखेंगे और ये देखिए स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिचिंग हमारी आनी चाहिए। और इसकी स्टिचिंग हम यहाँ कॉच एरिया से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ आएँगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे और कॉच एरिया से ही हम दूसरे पैर की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसकी जो स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे हमें कॉच एरिया से ही इसे स्टार्ट करना है, नीचे से नहीं स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ आना है। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो ये देखिए, कॉच एरिया से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब ऊपर जो हमने बेल्ट बनाई है उसमें हमें इलास्टिक पास करनी है। तो उसके लिए मैंने ये इलास्टिक ली है और इसकी लेंथ आपको जितनी भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है उससे 4 इंच कम लेना है। मेरे केस में 28 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 24 इंच और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेकर के 25 इंच लंबा ये जो इलास्टिक है उसे कट किया है। अब इसको हम इसके जो हमने ये बेल्ट बनाया है उसके अंदर सेफ्टी पिन की हेल्प से पास कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए, सेफ्टी पिन को हम निकाल देंगे और जो ये इलास्टिक है उसके दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। 2-3 बार अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब इसको हम इसके अंदर बिल्कुल बराबर से इलास्टिक को इस तरह से खींच करके बराबर कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ा था उसे भी अब हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, जो खुला हुआ है इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये सब करके फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे शरारे का फाइनल लुक और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फुल फ्लेयर शरारा बन करके हमारा तैयार हुआ है, वो भी सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और 97% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली जो है 50K की होने वाली है, तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके इसको 50K की फैमिली बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।